एक सच्चा और अच्छा लीडर कौन होता है ये देखना और समझना है तो आप मोदी जी से सीख सकते हैं कि मोदी जी में बहुत कुछ सीखने लायक है। जो उनकी जिंदगी को फॉलो करेगा बहुत कुछ सीख सकता है कि लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए, कैसे मार्केटिंग और प्रमोशन करना चाहिए, कैसे देश को आगे ले जाना चाहिए, कैसे बिजनेस टाइप होने चाहिए दूसरे देशों के साथ, कैसे अपने देश के टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। ये हमने अभी देख लिया कि राहुल गांधी ने लक्षद्वीप के ऊपर कुछ साल पहले ट्वीट किया था, एक कुत्ता भी मुतने नहीं गया उस ट्वीट के ऊपर। दूसरी तरफ बहुत सारी यात्राएं निकाली, 4,000 किलोमीटर की यात्रा निकाली और 3 राज्यों को हार गए राहुल गांधी। लेकिन मोदी जी 100 कदम चले होंगे लक्षद्वीप के ऊपर, वहां पर जाकर बस कहा किसी देश के बारे में कुछ नहीं, लेकिन जल गई मालदीव्स की। मालदीव्स चाइना का करीबी है इस वक्त, और इंडिया को बाहर निकालो, मोदी के बारे में गलत बातें, ये मालदीव्स का जो इस वक्त का जो नेता है करता धरता राष्ट्रपति, इसने बहुत कुछ बातें कही थी उस वक्त, तो दबा दिया गया बातों को। लेकिन अब इसकी पोल खुल गई है, मालदीव्स का जो 95% से ज्यादा टूरिज्म है वो भारत से मिलता है। अब भारत ने पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया मालदीव्स का। सवाल ये नहीं है कि उन्हें लक्षद्वीप जाना है लोगों को इस वजह से, सवाल ये है कि बदतमीजी की है मालदीव्स के नेताओं ने। एक तो हम ही से भैया खा रहे हो और हम ही को सुना रहे हो, मोदी जी के बारे में गलत कहा, लोगों को बुरा लगा, लोगों ने बॉयकॉट करना शुरू कर दिया, आम जनता से लेकर बॉलीवुड क्रिकेट सभी ने, और इसका परिणाम ये हुआ कि मालदीव्स की लग गई। टूरिज्म पूरी तरफ से आने वाले 6 महीनों में समाप्त हो जाएगा मालदीव्स का, मालदीव्स के लग जाएंगे, क्या लग जाएंगे बोलने की जरूरत नहीं है। तो कहानी यहां पर यह है कि राम मंदिर उद्घाटन होने वाला है 22 तारीख को, और इसके लिए मोदी जी ने अपने सभी मंत्रियों को नेताओं को सचेत किया है कि आस्था के ऊपर ज्यादा ध्यान दे, एग्रेशन ना दिखाए, कहीं पर भी कोई गलत बयानबाजी ना करें, किसी को गलत शब्द ना कहें, सिर्फ अपनी आस्था प्रकट करें, किसी के साथ फालतू के डिबेट में ना पड़े। और ये कहा है कि 22 तारीख को सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, आप अपने क्षेत्र के लोगों से लोगों को लाना चाहते हैं राम मंदिर तो उसके बाद लाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर उस दिन बहुत भीड़ होगी। लेकिन इतना मना करने के बावजूद भी कोई रुकने वाला है नहीं, क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार है, लोग कहाँ से सब्र रख पाएंगे भैया, लोग जा रहे हैं। आप रेलवे की बुकिंग देख लो, फ्लाइट की बुकिंग देख लो, होटल्स की बुकिंग देख लो, नहीं मिल रही है वहां पे, घर घर वहां पर होटल में तब्दील हो चुका है, फिर भी उसके बाद बुकिंग्स नहीं मिल रही है। रिजल्ट यही है कि रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, राम जी विराजमान होने वाले हैं, और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे देश में जहां पर भी दूतावास है भारत के, वहां पर भी लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, टाइम स्क्वायर पे लाइव प्रसारण दिखाया जाएगा, मोदी जी संबोधित करेंगे। मतलब एक समय हुआ करता था जब देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाया जाता था, दूसरे देशों में लोग मजाक बनाया करते थे, मजाक बनाने की वजह भी थी क्योंकि पीएम को पीएम नहीं रहने दिया था मनमोहन सिंह जी को, जो कि काबिल नेता थे, अच्छे नेता थे। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो पीएम थे हमारे पूर्व मनमोहन सिंह जी वो गलत थे, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं थी, लेकिन जब आप पपेट बनकर रह जाओगे, रोबोट बनकर रह जाओगे, जो कि सोनिया जी और कांग्रेस वाले उनको उसी तरह से ट्रीट करते थे, और ये किसी नफरत की वजह से नहीं बोल रहे, सारी वीडियोस अवेलेबल है, खुद से डिसीजन नहीं ले पाते थे, क्योंकि पीएम तो बनना चाहती थी सोनिया गांधी, लेकिन जब विरोध हुआ कि भैया आप इंडिया से हो ही नहीं, तो हट गई साइड में, लेकिन पीछे से बकायदा अपना डिसीजन चलाते रहे। तो पीएम हो तो मोदी जी जैसा हो, जो सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया में अपना वर्चस्व फैला दे, अब कोई इसे माने या ना माने घंटा फर्क पड़ता है, क्योंकि ना मानने वालों की संख्या भी वही है जो किसी काम की नहीं है, वो हर चीज में विरोध करेंगे, हर सरकारी सुविधा लेने सबसे नंबर 1 पर आएंगे, लेकिन विरोध जरूर करेंगे, फैसिलिटी सारी चाहिए लेकिन विरोध करना है।